खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला, ईडी की टीम रेड्स कर रही है। उद्धव ठाकरे के करीबी के घर पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा है। आदित्य ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर रेड मारी है। युवा सेना सचिव सूरज चव्हाण के ठिकानों पर भी छापेमारी की पूरी कार्रवाई चल रही है। मुंबई में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा है। बीएमसी कोविड सेंटर्स में घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला, कोरोना काल में कोविड सेंटर्स जो बने थे उस वक्त घोटाला हुआ था और उसी घोटाले के मामले में ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। एक साथ कई अलग अलग जगहों पर मुंबई में ईडी की टीम ने एक साथ रेड की है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे के करीबियों के घर पर ईडी की टीम पहुंची है रेड करने के लिए। आदित्य ठाकरे के भी कुछ करीबी बताए जा रहे हैं जिनके ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक की छापेमारी में क्या बरामद हुआ है इसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन खबर आपको बता दें कि इस पूरी छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी हैं, आदित्य ठाकरे के कुछ करीबी हैं जिनके ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची है। कोविड सेंटर में घोटाले से जुड़ा है ये पूरा मामला। कोरोना काल के दौरान कोविड सेंटर्स बनाए गए थे और उस वक्त जब लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे थे, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी तरफ से अपनी जेबें भरने का काम किया गया था, घोटाले किए गए थे। कोरोना काल में क्या स्थितियां फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में पैदा हो गई थी, ये किसी से छिपा नहीं। महामारी से जहां एक तरफ लोग लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घोटाले भी उस दौरान कई सामने आए और उसी दौरान घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है। कोविड केयर सेंटर में घोटाला हुआ था, इस पूरे मामले पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम ने एक साथ कई जगहों पर रेड की है। ये रेड अभी भी बताया जा रहा है कि अभी चल रही है ईडी की टीम की पूछताछ। इस दौरान कई लोगों से, कुछ लोगों को हिरासत में पुलिस की तरफ से, ईडी की टीम की तरफ से लिया गया है। बीएमसी कोविड सेंटर में घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला, इस खबर से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची है, कई अलग अलग जगहों पर एक साथ ईडी की टीम ने दबिश दी है। छापेमारी की इस पूरी कार्रवाई से हड़कंप है। डिटेल्स इस पर और ले लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजाता जुड़ गई है मेरे साथ। सुजाता, इस पूरी छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है, कितने जगहों पर रेड, क्या अभी भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए बात करें अगर जो रेड्स ईडी द्वारा अब रखी गई है, बताया जा रहा है कि 20 ठिकानों से ज़्यादा पर जो है ये रेड्स ईडी की इस समय जारी है, जिसमें सुजीत पाटकर के जो दो घर है सैंटा क्रूज और मलाड इलाके में, वहाँ पर और साथ ही लाइफलाइन हॉस्पिटल में जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, ये पूरी रेड चल रही है, उसमें भी जो है इस समय पूरे रेड्स को लगाया जा रहा है। इसी के साथ आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी माने जाने वाले सूरज चव्हाण, उनको भी इस समय, उन पर भी जो है दबिश जारी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी इस समय फुल फॉर्म में नजर आ रही है, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में 20 ठिकाने पर रेड्स डाले गए हैं। इसी के साथ जो कागजात है वो खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले में और जो डिटेल्स है वो पता लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो FIR है वो पहले दर्ज कराई गई थी मुंबई के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में, वहां से इसके बाद इस मामले में अब ईडी ने एक्शन लिया है और इसको लेकर क्या सच में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है या नहीं, इसको लेकर इस पूरे मामले में जांच जारी है। जी ठीक है सुजाता, आप मेरे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी लेंगे आपसे जानकारी।